हेलो फ्रेंड्स, सो द फाइनल डे हैज़ कम। टुमारो देर इज़ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022 एंड आई नो दैट ऑल ऑफ यूर वर्क वेरी हार्ड। सो दिस इज़ द टाइम टू नाउ परफॉर्म एंड गिव योर बेस्ट फॉर द एग्जाम। सो आई एम हेयर टू गिव यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन एंड एडवाइस एट द लास्ट मोमेंट विच यू मस्ट रिमेंबर। देखो, आपने पूरी तैयारी करी है दिल लगा के। यू हैव टू हैव faith in that. You have to have faith in yourself that yes, I have prepared with full zeal. ठीक है ना? जो भी आपने जिस स्ट्रेटजी से भी आपने पेपर करना है उसको फिक्स कर लो अभी कि हाँ, कल मैंने इस तरह से पेपर खोलना है, इस तरह से अटैम्प्ट करना है, इतने अटैम्प्ट करने हैं, कैसे करना है। जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है, हैव फेथ इन दैट और उसको दिल से उसको फॉलो करना है ना? तो ये बात अपनी पक्की ध्यान रखनी है। और ये वक्त है जब आपको अपने आप को बिल्कुल फोकस रखना है, कंसंट्रेट करना है, फोकस रखना है कि हाँ, यही आई विल क्लियर दिस एग्ज़ाम विद दिस फेथ। आपने पेपर में कदम रखना है कि मैं पेपर में क्लियर करके मैंने आना है। ठीक है? अब सी मन में बड़े डाउट आएंगे कि यार, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं, मेरे को याद आ रहा, मैंने हिस्ट्री में वो लिस्ट छोड़ दी, मुझे ज्योग्राफी में वो छोड़ दी मैंने। डोंट पैनिक, हमेशा हमेशा रहेगा ये। जितना मर्जी आप चाहे 2 साल भी पढ़ाई कर लोगे, तब भी लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ याद आता रहेगा। डोंट थिंक पेपर उसी में से आ जाएगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि यार, मेरे को वो 2 लिस्ट नहीं, सारा पेपर उसी में से आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। इट इज़ नेवर लाइक दैट कि आप सारा पेपर उसी में से आ जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपने किया है कामली उसको रिवाइज करते रहो। हाँ, आपने कुछ लास्ट मोमेंट पे अपने नोट्स छोड़ रखे हैं कि ये मैंने थोड़े से रीडिंग करने हैं, उसको आराम से रीड करो। ठीक है ना? तो अपने आप को पैनिक सिचुएशन में नहीं डालना है। मेरे कहने का मतलब है ये कि डोंट पुट योरसेल्फ इन अ पैनिक सिचुएशन कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। वी इन अवर लॉन्ग करियर ऑफ सिविल सर्विसेज वी हैव कम अक्रॉस स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत बढ़िया तैयारी नहीं करी तब भी प्री क्लियर हुआ। बिकॉज पेपर में सब कुछ नहीं आ जाएगा, पेपर में कुछ चीज़ें आएंगी। एंड रिमेंबर वन थिंग कि पेपर में जो आएगा उसको आपको अटेम्प्ट करना है। एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको ये नहीं आता, इसलिए हैव फेथ इन योरसेल्फ। जितना किया है उसी को रिवाइज करो। अब लास्ट मोमेंट पर नई किताब नहीं उठानी, नए नोट्स नहीं उठाने, नई चीज़ नहीं उठानी, बिकॉज वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी आपके अंदर। क्योंकि पूरा कर नहीं पाओगे फिर टेंशन क्रिएट करेगी, अधूरापन रहेगा। तो बस, और लास्ट एडवाइस मेरी क्या है कि रात को आपने अच्छी से नींद लेनी है। एटलीस्ट 6 आवर्स स्लीप इज मस्ट, है ना? आराम से 6 घंटे सो के, जो भी जिसको भी आप रिस्पेक्ट करते हो, अपने पेरेंट्स को, भगवान को, सबको, उनका आशीर्वाद लेके आपको अपना पेपर देने जाना है ना? स्टे काम, बस माइंड को शांत रखना है और उसके लिए एक स्लीप इज मस्ट, राइट? सो दिस वॉज माई स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश कि आप सब प्री में सक्सेसफुल होंगे। आपने बहुत मेहनत करी है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन टच विद मी, आई हैव विश्ड देम इंडिविजुअली ऑल्सो, लेकिन ये एक पीस ऑफ एडवाइस है जो आपने ध्यान रखना है। सो बेस्ट ऑफ लक, perform the best. Right. Thank you very much.